नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों संतरे वास्तव में मूल रूप से हरे रंग के थे, तो पहले फल आया या रंग नारंगी आया? यह एक दिलचस्प सवाल है और इसका इतिहास वैसा नहीं है जैसा आप सोच सकते हैं। 16वीं शताब्दी तक नारंगी रंग वास्तव में एक रंग नहीं था, लेकिन इसे एक छाया या लाल के रूप में संदर्भित किया जाता था। संतरे का नाम उनके रंग के लिए नहीं रखा गया था, क्योंकि उनका रंग अक्सर नारंगी नहीं होता था, भले ही उनके गुदे नारंगी रंग का होता था। संतरे वास्तव में प्राकृतिक रूप से हरे होते हैं। ब्राजील, वियतनाम और थाईलैंड जैसे भूमध्य रेखा के करीब दुनिया के गर्म हिस्सों में उगाए जाने वाले संतरे जीवन भर हरे रहते हैं। संतरा नॉन क्लाइमेटिक फल है, जिसका अर्थ है कि वे कटाई के बाद भी पकते नहीं हैं। उन्हें अक्सर दुनिया के कई गर्म हिस्सों में चुना और बेचा जाता है। दूसरी ओर दुनिया के ठंडे हिस्सों में संतरे वास्तव में ऑरेंज रंग में बदल जाते हैं। जब हवा का तापमान गिरता है तो छिलके में क्लोरोफिल मर जाता है और नारंगी रंग का हो जाता है। दूसरा, दोस्तों क्या आपके पास कुत्ता है? अरे मतलब आपका पालतू कुत्ता? अगर है तो उसके बारे में एक खास बात आपको बताने जा रही हूँ। वह यह है कि कुत्ते अपने बाएं नथुने से अच्छी गंध सूंघते हैं। कुत्ते आमतौर पर अपने दाहिने नथुने से सूंघना शुरू करते हैं, फिर इसे वहां रखते हैं। यदि गंध खतरे का हो तो संकेत देते हैं, लेकिन वे कुछ सुखद जैसे भोजन का हो तो उस गंध को बाईं ओर शिफ्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए कुत्तों में स्टीरियो घ्राण होता है, जिसका अर्थ है कि उनके नथुने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के दो अंग ऐसे हैं जो कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते हैं? एक निश्चित आयु पार करने के बाद शरीर के अधिकांश अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हमारी नाक और कान कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते। इसलिए कई वृद्ध लोगों के नाक और कान बड़े होते हैं। इतालवी वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि शरीर के जिन हिस्सों में कार्टिलेज होता है वे मृत्यु के दिन तक बढ़ते रहते हैं। इसमें नाक और कान शामिल है। ईयरलोब में कार्टिलेज होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लंबा भी होता है। तो दोस्तों आपकी नाक लंबी है या कान? चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसमें मैकडॉनल्ड नहीं है? यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी बड़े शहर की यात्रा करते हैं तो ऐसा लग सकता है कि हर गली के कोने पर मैकडॉनल्ड है। कम से कम फास्ट फूड प्रेमियों को आकर्षित करने वाले सुनहरी मेहराबों का एक सेट होगा, पर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यदि आपको मोंटपेलियर में मैकडॉनल्ड्स फ्राइज के लिए तरसते पाते हैं तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी शहर बर्रे में एक मिकी डी है और इसमें बर्गर किंग भी है। दोनों श्रृंखलाएं बर्रे और मोंटपेलियर रोड पर एक दूसरे का सामना करती है, जो दोनों शहरों को जोड़ती है। पांचवा, दोस्तों क्या आप टमाटर के इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। टमाटर की उत्पत्ति लगभग 700 ईस्वी पूर्व इजटेक से हुई है, इसलिए माना जाता है टमाटर अमेरिका का मूल निवासी है। अधिकांश यूरोपीय लोगों ने सोचा कि टमाटर जहरीला था, क्योंकि 1500 के दशक में प्लेट और फ्लैटवेयर बनाए गए थे। उस समय अमीर लोग पीवर से बने फ्लैटवेयर का इस्तेमाल करते थे, जिसमें उच्च सीमा सामग्री होती है। एसिड में उच्च खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर खाने में सीसा जोंक का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मर्क्यूरी विषाक्त और मृत्यु हो जाती है। गरीब लोग जो लकड़ी से बनी प्लेटों में खाते थे, उन्हें यह समस्या नहीं थी और इसलिए टमाटर से कोई घृणा नहीं थी। यह है अनिवार्य रूप से यही कारण है कि 1800 के दशक तक टमाटर केवल गरीब लोगों द्वारा खाया जाता था, खासकर इटालियंस। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।